हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902, जिसको रेली कमीशन भी बोलते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 के बारे में। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बोला रेली कमीशन, तो जो इसके हेड थे कमीशन के वो थे लॉ मेंबर थॉमस रेली, ये इसके हेड थे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो रेली कमीशन था जिसको बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन, इसको 1902 में अपॉइंट किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया था। और इसके बेसिस पे जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 आया था ना, तो उस एक्ट के बेसिस पे बहुत सारे जो प्रोविजन है ना, वो आज की डेट में भी हमारे इंडिया की यूनिवर्सिटी एजुकेशन में फॉलो किए जाते हैं। किस तरीके से किए जाते हैं इसको हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एजुकेशन की शिमला में सितंबर 1901 में, वहीं पे ये कमीशन बनाया गया था, और इसमें और दो मेंबर्स थे। पहले तो एक ही इंडियन को रखा गया था जिसका नाम था सैयद हुसैन बेलग्रामी। अब ऑब्वियसली बात है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट जो लॉर्ड कर्जन वाली वीडियो थी, कि सैयद हुसैन बेलग्रामी उसके ओनली मेंबर थे, बट मुस्लिम होने की वजह से बहुत सारी हिंदू लोगों ने एजिटेशन किया कि केवल एक ही मेंबर अपॉइंट किया गया, वो मुस्लिम मेंबर है। तो फिर एक हिंदू मेंबर जिनका नाम था गुरुदास बनर्जी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये हाईकोर्ट कलकत्ता में ये जज थे, तो इनको भी अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो एक हिंदू मेंबर हो गए, तो दोनों पूरा इसमें एक खिचड़ी चीज इन्होंने पकाई, और इसके कहते हैं ना कि रिकमेंडेशंस आए, और उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे आया आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। ठीक है ना, तो ये इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 क्या है, ये भी हम देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में बेसिकली हुआ ये कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी ना, अगर एक लाइन में समझना चाहें कि इसमें क्या हुआ, तो ये इंडियन यूनिवर्सिटीज की फंक्शनिंग पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और स्ट्रांग हो गया। एक लाइन में इसका मतलब ये है। अब बाकी हुआ कैसे ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात क्या था कि जो सेनेट का साइज था ना यूनिवर्सिटीज में, उस समय पे सेनेट्स हुआ करते थे, क्योंकि वो जो इन यूनिवर्सिटीज बनी थी ना, वो आपके ब्रिटिश मॉडल पे बनी थी, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे सेनेट्स हुआ करते थे यूनिवर्सिटीज में, तो सेनेट्स के साइज को रिड्यूस किया गया। अब ये बोला गया कि भैया सेनेट्स को मिनिमम 50 होना और मैक्सिमम 100 होना है, यानी 50 से 100 की रेंज में होना है। फिर हर सेनेट्स अपने ऑफिस में रहेगा 6 साल के लिए, 6 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, और बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की यूनिवर्सिटी में जो इलेक्टेड फेलोज थे, देखिए यूनिवर्सिटीज में फेलोज भी होते हैं, ये क्या होते हैं आप जाके देख सकते हैं, ऑनररी फेलोज बोलते हैं उनको, जिनके पास एक प्रॉपर डिग्री होती है और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में उनका काफी दबदबा होता है। तो इलेक्टेड फेलोज 50 होंगे। ठीक है, किस यूनिवर्सिटीज के लिए, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की यूनिवर्सिटीज के लिए, और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए इलेक्टेड फेलोज का नंबर होगा 15। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स के प्रिपरेशन से आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा खास बात यह हुई कि मेजॉरिटी ऑफ द फेलोज को अपॉइंट करने की जो पावर आ गई ना, वो आ गई गवर्नमेंट के पास। ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी ऑफ द फेलोज को अपॉइंट करने की पावर आ चुकी थी यहां पे। ठीक है, और कितने इलेक्टेड हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर गवर्नमेंट के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर इसमें आई कि गवर्नमेंट का जो गवर्नर जनरल था ना, वो यूनिवर्सिटी की टेरिटोरियल लिमिट्स को डिसाइड कर सकता था कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी इतना इलाका कवर करेगी। ठीक है ना, जैसे कि एएमयू की बात कर लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो अब ऑब्वियसली बात इनका कोई टेरिटोरियल एरिया नहीं है, लेकिन हाँ उस समय पे एक टेरिटोरियल एरिया डिसाइड किया गया कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में यहां तक का है, यहां तक के बच्चे से पढ़ने जा सकते हैं, और कुछ इस तरीके की चीजें वहां पे उस समय पे की गई। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इस चीज का टेरिटोरियल, कहते हैं ना कि आपका ये जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन रखा गया इन यूनिवर्सिटीज का, इसका मतलब क्या था, मतलब ये था फ्रेंड्स कि देखिए यूनिवर्सिटी में तो सब पढ़ने आएंगे नहीं, बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस थे अलग अलग। ठीक है ना, जैसे कि एक ही सिटी में बहुत अलग अलग कॉलेजेस हैं, या एक ही स्टेट में बहुत, या एक ही प्रोविंस में बहुत अलग अलग कॉलेजेस हैं, और अगर उन कॉलेजेस को एफिलिएशन लेना हो तो वो जिस यूनिवर्सिटी के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे होंगे ना, उसी यूनिवर्सिटी से जाके वो एफिलिएशन लेंगे। तो ये थी आपकी यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन, कि जो भी कॉलेजेस जिस यूनिवर्सिटी के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे हैं वहीं से जाके वो अपना एफिलिएशन लेंगे। और ये जो एफिलिएशन था ना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बीच में, इसमें भी गवर्नर जनरल का यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था, यानी उनके हाथ में बहुत कुछ था कि किस तरीके से एफिलिएशन देना है, क्या क्राइटेरिया बनाना है, क्या एलिजिबिलिटी बनानी है, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कहते ना कि यूनिवर्सिटी ग्रांट, एक ग्रांट बनाया गया जिसमें ये बोला गया कि भैया अच्छी एजुकेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए 5 लाख हर साल दिए जाएंगे 5 साल तक के लिए यूनिवर्सिटीज को डेवलप करने के लिए। तो कहते ना कि यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल ग्रांट, ये यहां से शुरू हुआ, और आज की डेट में भी आप जानते हैं कि ये एक परमानेंट
वो बन चुका है, फीचर बन चुका है हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। आज की डेट में भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ग्रांट्स मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो ये यहां से शुरू हुआ था, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 से। तो कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि इंडियन यूनिवर्सिटीज कैसे काम करेंगी, इसका पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था, सब कुछ उनके हाथ में था, अपॉइंटमेंट से लेके एडमिशन से लेके एफिलिएशन से लेके एलिजिबिलिटी से लेके एकेडमिक करिकुलम से लेके सब कुछ उस समय गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था। हालांकि इस चीज को गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरी तरीके से अपोज किया था, और भी बहुत से इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे जिसने इस चीज को अपोज किया था, पर ऑब्वियस सी बात है उस समय पर मॉडरेट टाइप की पॉलिटिक्स चलती थी, तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो पाया और इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो ये था फ्रेंड्स रेली कमीशन और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, इसमें आपको ये पता चल गया कि ये था क्या। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वैसे भी कम आते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे और आपकी नॉलेज के लिए भी होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। गुड बाय।